जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने आपको कई ऐसी रोचक तथ्यों पर आधारित खबरें बताई हैं जो अपने आप में ही काफ़ी अजब गजब थी। लेकिन अब जो खबर बताने वाले हैं उसको पढ़कर तो हमारे भी होश उड़ गए थे, लेकिन आप भी सुनिएगा तो आपके रोंगटे भी खड़े होने वाले हैं, क्योंकि ये हम सब से ही जुड़ी हुई है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि एक बार ऐसा हुआ कि 19 साल बाद एक ऐसा मोबाइल एक व्यक्ति के हाथ लगा जिसकी बैटरी की परसेंटेज सुनकर आप सब दंग रह जाएंगे। दरअसल एक शख्स को उनका नोकिया 3310 फोन घर में एक दराज में पड़ा हुआ मिला। वह उसे रखकर भूल गए थे। ये वही फोन है जिसे आज के समय में हम आउटडेटेड मानते हैं। किसी के पास दिख जाए तो उसे हम बाबा आदम के ज़माने का करार कर देते हैं। लेकिन यह मामला है इंग्लैंड शहर के एल्समेर पोर्ट का है, जहां बीते दिनों केविन नाम का एक शख्स अपने घर में एक चाबी ढूंढ रहा था। उसी समय एक दराज में उन्हें पुराना नोकिया 3310 मोबाइल फ़ोन मिला, जो कि पहले खो गया था 19 साल पहले। फ़ोन ऑन किया तो केविन बताते हैं इस फ़ोन को भूल भी चुके थे। जहां तक उन्हें याद है उन्होंने 19 साल पहले ये फ़ोन ख़रीदा था। खास बात यह है कि जब केविन ने फ़ोन देखा तो वह ना सिर्फ ऑन था बल्कि उसकी बैटरी परसेंटेज सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि वो तब भी 70% था उसमें बैटरी। जी हाँ दोस्तों, 19 साल बाद भी उस फ़ोन में 70% बैटरी थी, जो कि चालू था फ़ोन। यह वाकई चौंकाने वाला मामला है। वैसे नोकिया 3310 की परफॉर्मेंस की दुनिया कायल है। जानकारी के लिए बता दें, नोकिया ने साल 2000 में यह फ़ोन लॉन्च किया था, लेकिन 19 साल बाद उस शख्स के हाथ में जब दोबारा फ़ोन आया तो उसमें बैटरी थी 70%। अगर आज के समय में 70 मिनट के लिए अगर अपना फ़ोन ऐसे ही रख देंगे तो उसमें 70% बैटरी कब गायब हो जाती है हमको पता ही नहीं चलता। लेकिन इस फ़ोन की खासियत देखिए कि 19 साल बाद केविन ने हाथ में लिया तो सबसे पहली बात ये देखी कि वो चालू था। जहाँ आज के समय में फ़ोन ठंडे पड़ के बंद हो जाते हैं, उनको चालू करवाने में मोबाइल रिपेयर की शॉप पर जाना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके वो नोकिया 3310 का मोबाइल चालू कंडीशन में 19 साल बाद 70% बैटरी, होश उड़ा देने वाला मामला है। दोस्तों सलाम है नोकिया की इस कंपनी को कि भले सी आज के समय में ये पिछड़ चुकी है, लेकिन एक समय ऐसा था जब इन्हीं का हाहाकार था। कैसी लगी दोस्तों ये खबर? कमेंट कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और खबरों के लिए। धन्यवाद।